वापस आया, उसको बोला, उसने बोला उसको बॉडी बनानी है, इसलिए हम पूरी सीरीज में तो ये बोल रहे हैं कि अरे हम तो सुखा गए, हम तो सुखा गए. गुड्डू वॉज नॉट गुड्डू, देन वॉट गुड्डू वुड हैव बीन. कालीन भैया, मेरा डिफॉल्ट सेटिंग है कि जैसे ही मैं जमशेदपुर फोन भी लगाती हूँ, मेरे बोलने का तरीका बदल जाता है. इनफैक्ट उसी दिन मैं जमशेदपुर की टिकट बुक कर रही थी, और मैंने टिकट बुक की और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया हम टिकट बुक कर लिए. नहीं, क्योंकि उसमें लखनऊ, मिर्जापुर, बनारस, बिहार, ये चार डायलेक्ट हैं अलग. मेरी जो मम्मी है वो लखनऊ से है, पापा इलाहाबाद से, तो मैं तो अपने आप को और एकदम यूपी की बेटी मानती हूँ. उसने के बात तो ना, मैं भी बहुत देर तक ऐसी बात कर रही होती हूँ कि हाँ कर लीजिए, हाँ बना लीजिए. आई रियली मिस्ड कुलजी एंड दिव्येंदु दिस सीजन. मेरे तो आधे पार्टीज तो गायब ही हो गए ना. इनफैक्ट आई फील कि बीना एंड रॉबिन वुड मेक अ ग्रेट टीम. तो सबको बेवकूफ बना देंगे. Hi everyone, I'm Divya. You're watching me on ABP Live as well as ENT Live. दुनिया में ना दो ही मिर्जा बहुत फेमस हैं और थे. एक मिर्जा गालिब थे, एक मिर्जा पुर है, और एक गजल की वजह से, गैंग वॉर की वजह से. गैंग वॉर वाले आज मेरे साथ बैठे हुए हैं. मेरे साथ रसिका है, मेरे साथ श्वेता है, मेरे साथ अली है. Hi everyone. Hello. Hi. कैसे आप लोग? Very मस्त. मिर्जापुर से निकल गए हैं, अभी वहीं पर है. निकलने नहीं दे रहा है कोई भी. मैं खुद नहीं निकली हूँ, कल ही मैंने फिनिश करी. आई लव. अच्छा, मुझे आप सबसे पूछना है, 4 साल क्यों, किस लिए, क्यों इतना सस्पेंस बनाया हुआ था, क्यों इतनी ईगरनेस बनाई हुई थी लोगों में? अली कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर रहा था तो हमें उसकी डेट्स नहीं मिल रही थी, तो इसलिए रसिका और हम लोग तो पूछते रहते थे कि प्लीज चलो ओह शूट पे चलो, पर इसलिए थोड़ा वक्त लग. नाइस. फिर जब वो वापस आया, उसको बोला, उसने बोला उसको बॉडी बनानी है, इसलिए हम. ओ अच्छा, पर लेकिन पूरी सीरीज में तो ये बोल रहे हैं कि अरे हम तो सुखा गए, हम तो सुखा गए. हम मजाक कर रहे इसलिए हैं, ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं था था. यार. मतलब मैं, हम लोग थे, डिले हो गया 2 साल, तो पैंडेमिक की वजह से घुस गए. और 22 में शूट किया है हमने, आई थिंक 22 में किया है, 22 के मिड में किया है, तो 1 साल तो हाँ तो लगा ही है वो उसको. 1 साल में एक्चुअली रेडी हो गया था. फिर आई थिंक वो अमेजोन मार्केटिंग टीम होती है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा बढ़ा के उसको डेट्स बढ़ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मिर्जापुर जो है वो इट बिहेव्स लाइक अ वेरी डिफरेंट बीस्ट ऑफ इट्स ओन. तो वो सब चाहते हैं कि एक ऑस्पिशियसली अच्छी एक डेट हो जो बैठ जाए इन द स्कीम ऑफ थिंग्स. इस दफा तो मतलब 2 महीने से यही चल रहा है. आईपीएल था, इलेक्शन था, हाँ. वर्ल्ड कप भी है, सो उसको सब नजर रखते हुए. ओके. अच्छा, क्योंकि इतना टाइम हो गया था, क्यों, जब कोई सीरीज आ जाती है और फिर उसका एक और पार्ट आना होता है, सीक्वल आना होता है, तो लोग ना ऑलरेडी दिमाग में बहुत सारी चीजें कि अच्छा अब ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि हाँ उसमें बीना ऐसी थी, गुड्डू ऐसे थे, गोलू का ये रोल था, तो अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा. तो इन 4 सालों में लोगों की एक्सपेक्टेशन जो बिल्ड हुई, उस पे कुछ प्रेशर था कि हाँ यार इस पे खरा उतरना है, अब तो ऐसे करना है, अब तो ये करना है, कुछ प्रेशर ऐसा फील हुआ? I don't know. हुआ, मुझे तो बट हम इसमें लोग मेकर्स नहीं प्रेशर, है, हम एक्टर्स हैं. मतलब हाँ हाँ. एज एन एक्टर ऑल्सो, ओ नहीं मुझे लगता बट है 4 साल का 2 साल भी होता है, 1 साल भी होता, वो आई थिंक मोर देन प्रेशर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज मिर्जापुर को जो जो फैंडम है ये कहीं, मतलब ये दिखाई नहीं है हमने कलेक्टिवली, ये नहीं दिखा है, तो वो बस लगता है कि जब हम आए और हम अपनी पूरी जी जान, दिमाग, दिल, खून, पसीना सब लगा के लाते हैं ऑडियंस के पास, एंड बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं, एंड 4 साल में एक ग्रोथ भी बहुत होती है. तो आई थिंक वन सीजन टू द अदर यही है कि आप सीखते रहो, बटोरते रहो और ट्राई करते रहो और बेहतर करने की. मुझे लगता है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन भी लेके आए और शायद आप डिसअपॉइंट हो जाए, क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ और सोचा था और आपकी फेवरेट कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल आपके फेवरेट कैरेक्टर के साथ कुछ और हो गया, आई थिंक वो भी एक प्यार जताने का अंदाज है. क्योंकि अगर आप डिसअपॉइंट भी हो तो उसमें कनेक्शन की बात है, ऐसा नहीं कि आप हर चीज से खुश होके जाए ना. कुछ आप एक्सपेक्टेशन लेके आओगे, कोई राइटर्स और डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स की कोई और कोई और क्रिएटिव नीड होगी, तो वो सब होता रहता है, बट एज लॉन्ग एज वो कनेक्शन बना रहे, इट्स ऑल गुड. टॉकिंग अबाउट सीजन 1 और सीजन 3, ये जो यूपी वाला एक्सेंट है टिपिकल, जो स्पेशली जो गुड्डू बोलते हैं,
या फिर चलिए अली फजल तो आई गेस आप लखनऊ से ही हैं, और रसिका जो है वो बिहार से हैं, लेकिन श्वेता इज फ्रॉम दिल्ली, तो आप लोगों ने कैसे इतना अच्छा अडेप्ट कर लिया इसको, मतलब स्पेशली जो गुड्डू का कैरेक्टर है वो तो बहुत ज्यादा टिपिकल, ऐसा लग रहा है वहीं के रहने वाले हैं, मिर्जापुर में ही रहते हैं। आप बॉम्बे से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से? नहीं, क्योंकि उसमें लखनऊ, मिर्जापुर, बनारस, बिहार, ये चार डायलेक्ट हैं अलग, हाँ हाँ इनमें हाँ बहुत बहुत फर्क है, और दिल्ली भी बहुत अलग है, तो पांच हो गए। तो वो समझना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगा हमारे जो राइटर थे पुनीत कृष्णा, सॉरी आई स्टेप्ड इन, बिकॉज आई थिंक हम सब अलग अलग जगहों से हैं और हमने उस पर काम किया, बट वो एक तब एक एक्टर की जॉब है, तो दैट वाज इम्पोर्टेंट। तो लखनऊ में तो बल्कि बहुत अलग लहजा होता है, दिल्ली में तो सब भी जानते हैं, बट उसको उसका एक फ्लेवर पकड़ा है, बिकॉज देन इट्स फन, एंड आई एम ओके, श्योर यू रसिका एंड नो। श्वेता, वाज इट टफ वन के टाइम पे या उसके बाद भी, इतने साल बाद आप फिर शूटिंग शुरू करते हो, तो कहीं पे लगा कि अच्छा आप थोड़े टाइम प्रैक्टिस करना है फिर मैं उसमें आऊंगी? जैसा अली ने कहा, हमने उस डिटेल में नहीं किया है कि क्योंकि आप देखिए तो यूपी में या इंडिया में कहीं भी जाके देखिए तो हर 2 किलोमीटर में लहजा बदल जाता है, एक्सेंट अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। हमने वो डिफरेंस एग्जैक्टली रखा नहीं है, क्योंकि ऐसी सीरीज में मेरे ख्याल से एक वो क्रिएटिव कॉल भी होता है कि ऑथेंटिसिटी वर्सेस एक्सेसिबिलिटी का, कि अगर आप बिल्कुल ही डिटेल में जाके वैसे बात करने लगे जैसे वहां पे लोग करते हैं, शायद पूरे देश में लोग वो समझ ना पाए। तो हाँ एक लहजा रखा है, ओवरऑल फ्लेवर रखा है जैसा अली ने कहा, बट एग्जैक्टली एक रीजन के लोग कैसे बात करते, क्योंकि जौनपुर में जैसे बात करते, कानपुर में जैसे बात करते हैं, मिर्जापुर में जैसे बात करते हैं, वो अलग है। तो मुझे एक अंदाजा था कि उस रीजन का एक लहजे का अंदाजा था, क्योंकि मैं वहां झारखंड में पली बड़ी हूँ, लेकिन क्योंकि हम इतनी डिटेल्स में गए नहीं थे और रिक्वायरमेंट नहीं थी इस प्रोजेक्ट की, इस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी इस प्रोजेक्ट में, तो इसलिए मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनफैक्ट मेरा डिफॉल्ट सेटिंग है कि जैसे ही मैं जमशेदपुर फोन भी लगाती हूँ, मेरे बोलने का तरीका बदल जाता है। आई एम श्योर अली तुम्हारे साथ भी होता होगा। इनफैक्ट उसी दिन मैं जमशेदपुर की टिकट बुक कर रही थी और मैंने टिकट बुक की और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया हम टिकट बुक कर लिए हैं। वो कह रहा था टिकट बुक करते ही एक्सेंट बदल गया। सो दैट वाज नॉट हार्ड फॉर मी। एंड अगर बिल्कुल डिटेल में जाना होता तो और भी वो अलग एक्सपीरियंस होता है एक्टर के लिए, बट वो हमने इस शो में ऐसा ऐसे रखा नहीं। ओके। मेरा तो, मेरी जो मम्मी है वो लखनऊ से है, पापा है इलाहाबाद से, तो मैं तो अपने आप को और एकदम यूपी की बेटी मानती हूँ, क्योंकि जब मसान हमने की थी, बनारस ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। ललिता ने तो 6 फिल्में कर रखी हैं बनारस में ना। मैं तो एयरबीएनबी, अब मेरा गोल है बनारस में स्टार्ट करना, एयरबीएनबी एंड जिम, ये दो तो बनते ही बनता है। तो बचपन से यही सुना है, हमारी जो समर हॉलीडेज होती थी वो शताब्दी लेके हम दिल्ली से लखनऊ जाते थे, वो टोमेटो सूप पीते थे, वहां पे छुट्टियां मना के वापस आते थे, तो ननिहाल वहां पे था। तो हैव ग्रोन अप हियरिंग दैट, और मुझे याद है कि सीजन 1 के टाइम सबको बोला जा रहा था कि एक्सेंट क्या होगा, लहजा क्या होगा, किस तरह से बात करनी है, और बोला था कि जैसे श्वेता ने मसान में किया है, तो मुझे लगा कि वाओ, मैं एज ए स्टूडेंट, मेरा तो होमवर्क हो चुका है, क्योंकि आई थिंक आई एम दैट बैक बेंचर हु प्रिटेंड्स टू बी हु पीपल थिंक आई एम अ फ्रंट बेंचर, बट मैं हूँ एक्चुअली, ये है फ्रंट बेंचर्स। तो मैं तो बहुत खुश हुई थी कि चलो इसमें मुझे उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई नो कि ये पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। कोई बिफोर मी, कुछ लोगों के लिए आसानी से आ जाता है, जैसे मेरे जो हस्बैंड ने जीता, वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सेंट पकड़ लेते हैं, बट मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ उसमें, विच इज समथिंग आई वॉन्ट टू वर्क ऑन, सिर्फ हिंदी में नहीं, कि मतलब जो जैसे अली इंटरनेशनल, आप कुछ भी कर लो, चाहे मतलब वो ब्रिटिश करा लो या अमेरिकन करा लो, वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट नहीं है। तो एज एन एक्टर आई डेफिनेटली वॉन्ट टू वर्क विद दैट। यहाँ पे आई गॉट लकी क्योंकि यूपी। ओके ओके ओके, क्योंकि देखने के बाद तो ना मैं भी बहुत देर तक ऐसी बात कर रही होती हूँ कि हाँ कर लीजिए, हाँ बना लीजिए, ऐसे वो एक्चुअली इतनी हम्बल हैंडओवर की मेरा दुकान चला हो गई हो देने वाले, श्वेता। बाकी हाँ, सब हो मेरे। जाता है। दूसरा मीडिया में काम करते करते हमारे आसपास भी ना बहुत सारे यूपी के और बिहार के लोग बात करते हैं, तो वो काम करते करते बहुत ज्यादा आ जाता है। एनीवे, लास्ट दो क्वेश्चन में लूंगी। एक तो ये कि बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो 1 में थे, फिर 2 में नहीं थे, कुछ 2 में थे, फिर 3 में नहीं थे,
जैसे कि कुलभूषण सर हो गए या फिर विक्रांत हो गए, तो जब वो थे और जब ऐसे पता लगता है सेट पे या स्टोरी जैसे ऐसे मोल्ड होती है कि यार अब ये बंदा जाने वाला है, ये कैरेक्टर खत्म है, दिवेंदु चले गए, अब ये कैरेक्टर जा रहा है, तो कैसा रहता है ऑफ सेट जो केमिस्ट्री होती है, कैसा कुछ मिसिंग फील होता है कि यार अब मजा आ रहा था? आई रियली मिस्ड कुलजी एंड दिवेंदु दिस सीजन. मेरे तो आधे पार्टीज तो गायब ही हो गए ना, तो मुझे या मेरी फैमिली चली गई. उन्होंने भी मेरा ऑल बहुत मिस खुश थी, या लेकिन आई मिस देम ऑन शूट अलॉट. ओके ओके लास्ट क्वेश्चन मेरी ये है कि अगर बीना जी नहीं होती और गुड्डू गुड्डू नहीं होते या गोलू गोलू नहीं होती, तो मिर्जापुर का कौन सा ऐसा ऐसे कैरेक्टर्स है जो ये लोग बनना चाहते? तो इफ बीना वाज नॉट बीना, देन व्हाट वुड शी बी इन मिर्जापुर? आई द गुड्डू और रॉबिन, बिकॉज ओके व्हाई रॉबिन व्हाई? आई थिंक रॉबिन कम्स फ्रॉम द सेम थॉट, स्कीमिंग थॉट. द जेनेसिस इज द सेम, यू नो. वो बहुत बड़ा स्कीमर है, उसका तरीका अलग है, बीना का तरीका अलग है. इनफैक्ट आई फील कि बीना एंड रॉबिन वुड मेक अ ग्रेट टीम. तो तो सबको बेवकूफ बना देंगे. बैटमैन ही बन जाओ, इट विल बी परफेक्ट, बैटमैन एंड रॉबिन. एंड गुड्डू बिकॉज आई रियली इफ गोलू वाज नॉट गोलू, देन व्हाट वुड शी बी? यू नो, अभी मेरे दिमाग में कौन सा नाम आ रहा है, इज मकबूल. नाइस 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 नाइस. नाइस. ओके इफ गुड्डू वाज नॉट गुड्डू, देन व्हाट गुड्डू वुड हैव बीन? आई थिंक कालीन भैया आई वुड हैव लाइक टू लाइक या दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू स्टेप इन टू. आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट. या आई ऑलवेज थॉट ओके लाइक बबलू पंडे तो मुन्ना और समथिंग, बट या दैट वुड बी इंटरेस्टिंग ओके टू कम. फाइन. कालीन भैया बबलू पंडित. ओके फाइन कूल. ओके मैंने देख लिया मिर्जापुर सीजन 3, बहुत ही शानदार है, बढ़िया है. स्पेशली जब गोलू को गोली लगी तो भाई ऐसा लगा मुझे गोली लग गई हो. वाह, ये क्या होना हो चाहिए. गया? नेक्स्ट सीजन आएगा तो फिर से आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस सीजन. थैंक यू सो मच दिव्या. थैंक यू थैंक यू. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.